योग गुरु बाबा रामदेव भी अब हाईटेक होते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों बाबा रामदेव ने व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए किम्बो ऐप उतारा था। हालांकि वो कुछ घंटे में ही इस ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। ऐप को लेकर कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने दावा किया था कि इसमें यूजर्स के डेटा की सिक्योरिटी को लेकर कई बड़ी गड़बड़ियां हैं और डेटा में आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। इस विवाद पर बाबा रामदेव ने कहा था कि ऐप को सेटअप करने में फ्लैगशिप कंपनी पतंजलि को 2 महीने लगेंगे। ऐसे में अब किम्बो ऐप से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रामदेव की किम्बो ऐप अब वापस आ गई है। बोलो मैसेंजर नाम से इस बार ये आई है, जहां यूजर्स इसे कल से यानी 13 जुलाई से ही ऐप को मैसेंजर पर देख सकते हैं। ऐप को सबसे पहले 28 मई को डेवलपर अदिति कमल के जरिए पेज पर रिलीज किया गया था। गौर करने वाली बात ये थी कि प्ले स्टोर पर कमल का नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस भी दिख रहा था। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कमल ने इस ऐप पर अपना फेस भी लगा रखा था, तो वहीं ऐप की फाउंडर भी अदिति कमल ही थी। नए बोलो मैसेंजर ऐप पर किम्बो का आइकॉन ठीक व्हाट्सएप की तरह ही दिखता है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं हुआ कि पतंजलि फिर से किम्बो ऐप को बोलो मैसेंजर ऐप के रूप में लॉन्च कर दिया है। X9 टेक की रिपोर्ट। अगर आप बनाना चाहते हैं मीडिया में अपना सफल भविष्य, तो आपके पास है 15 अगस्त से पत्रकार बनने का सुनहरा मौका। कमजोर छात्रों की बड़ी ताकत, सिर्फ 6 महीने में लें असल मीडिया की ट्रेनिंग। हमारा लक्ष्य हर छात्र बने सबसे बेहतर। दिल्ली में पहली बार Next9 मीडिया स्कूल, जो हिंदी भाषा में सिखाएगा पत्रकारिता की तमाम बारीकियां। लॉग ऑन टू अवर वेबसाइट www.next9mediaschool.com।